सब आएगा पूरा वीडियो तुम लोग, पूरा यूट्यूब में आएगा तुम लोग। तू वहाँ बैठेगा? नहीं यार, हाँ तो और क्या बात है भाई, ये एमडी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो साहब यहाँ पे बैठे। ये आजम भाई के दूसरे जगह पे दूसरे वर्क, यहाँ पे जो है फिनिशिंग का काम होता है। ये इसको मुंबई या लैंग्वेज में बोलते हैं मावा या मावा। इतना रेगुलर काम है तो बड़े सॉफ्ट हैंड से जो है यूज करना है, सॉफ्ट हैंड से जो है ऑयल में छोड़ा जाए। कितने दिन भर में ये मिंट फ्रेश जो है आपको फ्रेश कर देगा। अम्मी अब्बा भी बहुत खुश है, वो लोग जो है एडसन पिन ओपन करेंगे, वो वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। वो गाइस अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी हम लोग जस्ट आ रहे हैं आदि का रिजल्ट लेके, तो अल्हम्दुलिल्लाह आदि पास तो हो गया है, बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुआ है, फर्स्ट क्लास आया है। गाइस रमजान में जो है हमारे ऑफिस की टाइमिंग होती है मॉर्निंग 8 to afternoon 2 तक के, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा टाइमिंग है। तो सारे जितने भी मुसलमान हैं जो वो मॉर्निंग के टाइम में जो है ड्यूटी कर जो है कंटिन्यू करके जो है 2 o'clock को निकल जाते हैं। अब रास्ते में यहाँ पर जो है जोहर हो चुकी थी और ये प्यारी सी मस्जिद सनेह में दिखी, तो यहीं पे जो है मैंने अभी जोहर का नमाज़ पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब यहाँ से मुझे जाना है लुलू। लुलू में मैंने जो है अपना वॉच कल रिपेयर के लिए दिया था, मैं गया था लुलू में कुछ काम से ऑफिस के, तो रास्ते में मैंने सोच लिया था कि चलो अपने 2 वॉच थे मेरे पास जिसके स्ट्रैप्स ख़राब थे, तो मैंने सोचा था चलो ये रिपेयर करा लेता लुलू में जो शॉप्स है उसके अंदर। तो मैंने दे दिया और काम ख़त्म, काम में इतना बिजी हो गया कि मुझे याद ही ना रह गया कि मैंने वॉच जो है वो रिपेयर के लिए दिया। तो अब जाते समय वो भी लेते हुए जाना है। तो आज इतनी गर्मी है गाइस, बता नहीं सकता आपको, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, होट एकदम सूखा जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा जो है आज लग रहा है कि हाँ भाई तुम रोज़ा रखे हो करके आज, अदरवाइज जो है एसी की हवा में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको पता नहीं चल रहा। तो ये है एक्चुअली इंडस्ट्रियल एरिया, तो मैक्सिमम जो यहाँ के काम होते हैं ये कारपेंट्री हो गया, गैराज हो गया, ये सारे जो है यहीं पे होते हैं। तो अब हम चलते हैं आजम भाई के शॉप में। जस्ट आगे पहुँचा हुआ आजम भाई के रूम में, इतना चिल लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बाहर इतनी कड़क धूप थी, हालत ख़राब हो गई थी, गला पूरा सूख गया था। एक तो रोज़े में जो है आपको अगर एसी के नीचे बैठे तो थोड़ा सा चिल लगेगा, लेकिन आप जब बाहर कड़ी धूप में काम कर रहे हो, भटक रहे हो, तो गला पूरा हलक सूखने लग जाए और रोज़ा बराबर खलने लगेगा। तो ये रहे हमारे आजम भाई, मस्त चिल मार के बैठे हुए। ये भी मार्केट भटक के आए, ये भी अभी गर्मी में दौड़ के हुए आए, लेकिन जरा सा भी जो है थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं। बहुत हो गए, गर्मी में बहुत ज़्यादा, बाहर जाने का दिल नहीं करता ना बिल्कुल। चलो हमारे शॉप देख लेते आपके, थोड़ा शॉप का चक्कर लगा लेते हैं। आजम भाई के मैं आप लोगों से गाइस, मैं ये छोटे मोटे बंदे नहीं है, ये आप जो इस बंदे को देख रहे हैं जिस हाल में, उसके हाल में मत जाइए, ये फ्यूचर के जो है एक बड़े जो है करोड़पति में से एक पति होने वाले हैं इंशाल्लाह। चलिए देखते हैं आजम भाई का वर्कशॉप, जहाँ पे इनका डेली रूटीन किस तरीके से वो करते हैं और उनके स्टाफ से मुलाकात करते हैं। ये मेरा सोफ़ा है जो अब तक के आप लोग वीडियो में देखते हुए आए थे, ये कलर देख के शायद आप पहचान जाएंगे। तो ये आजम भाई ने भी पूरा का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया इसको, इसको थोड़ा रिनोवेट करेंगे, वो अपने तरीके से नया डिज़ाइन करेंगे। तो ये मेरा जो है ये 3 सीटर वाला चेयर, उसके बाजू में जो है 2 सीटर वाला, और यहाँ पे मेरा जो चेयर लगा हुआ है ये देख रहे हैं आप, ये सब अभी खोल के रखा हुआ, अब इसके ऊपर जो डिज़ाइन करेंगे। इसमें क्या करना पड़ता है? अरे ये वाला निकाल देंगे, खाली बैठने के लिए करके, और बाद में ये इसको स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर जैसा करके, और उसमें वो थोड़ा फॉर्म थोड़ा लगाना पड़ेगा, बस डालना पड़ेगा उसमें। तो कितने दिन का काम होगा इसमें करना है? तो हाँ 7-8 दिन में, मेरे जाने से पहले 1 हफ्ता लगेगा, तो मुश्किल नहीं 1 हफ्ता लगेगा। चलो गाइस अंदर चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम भाई, लो कैसे खैरियत? हाँ ये भाई से मिलिए, काम कैसा चल रहा है? ठीक है, ये माशाल्लाह बहुत ही बड़ा। भाई का नाम क्या? आमिर हुसैन। आमिर हुसैन, कितना टाइम से काम कर रहे हैं? 5 साल हो गया। 5 साल हो गया, क्या बात करे, तेरा शूटर है फिर यानी के? हाँ ये आजम भाई के राइट हैंड है, खास शूटर है, 5 साल से आजम भाई के साथ है। आपका नाम क्या? क्या है? नूर। तुमको कितना साल हो गया? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया, क्या बात है, माशाल्लाह। तुम लोग क्या काम देखते हैं? कारपेंटरी का तुम लोग देखते हो ब्रो?
कुर्सी का पूरा, पर्दे का भी पूरा, कर्टन वगैरह पूरा, पूरा ऑल ऑल राउंडर है ऑलराउंडर माशाल्लाह। ये सब आएगा पूरा वीडियो तुम लोग पूरा यूट्यूब में आएगा, तुम लोग फेमस हो जाएगा अभी इसके अंदर पे। बोलो हमीद भाई के चैनल को लाइक करो, बोलो बोलो चैनल को लाइक करो। वेरी गुड, शाबाश। ये क्या चीज है, ये सब ये काला काला के कबर्ड? ड्रेसिंग रूम है। किसका है, कहाँ का काम चल रहा है? कस्टमर का ओमानी अरबी कस्टमर। गाइस ये देख रहे हैं बड़ा बड़ा जो शेल्फ लगा हुआ है, ये ड्रेसिंग रूम का शेल्फ है, कबाड़ है। चलो भाई ये इनके ऑफिस के अंदर चलते हैं। ये जो है सेटअप अभी हुआ नहीं पूरी तरह। अरे कर दिया तूने, माशाल्लाह क्या बात है भाई, एक नंबर लग रहा है भाई अभी तेरा। ये तू वहाँ बैठेगा? नहीं यार। हाँ तो और क्या बात है भाई, ये MD के जो मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो साहब यहाँ पे बैठे, यही है वो डायरेक्टर साहब। और इनका जो ऑफिस देख रहे हैं माशाल्लाह क्या बेहतरीन तरीके से बना। ये सारा जो कारीगरी किया है ना गाइस, ये पूरा आजम भाई ने खुद किए हुए। ओके यहाँ पे कोई और दूसरे बंदे ने नहीं किया, बाहर से आके नहीं किया। ये जो राजा की कुर्सी देख रहे हैं आप, इसमें किसको बिठाएगा भाई? हम लोग के लिए, कस्टमर को। राजा की कस्टमर जब आएंगे तो उनको फील होना बनता है उसको एक राजगद्दी दी है घर के। तो ये अभी पूरी तरह से क्लीनिंग नहीं हुआ, थोड़ा बचा हुआ है, फाइनल वर्क बचा हुआ है इसका। तो उसको तो डोर निकालने वाला था, बोलो ना कहाँ से डोर निकले, यहाँ से डोर निकलेगा। हाँ तो ये एरिया से एक डोर निकलेगा इसका। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा ऑफिस तो बढ़िया हो गया, फर्स्ट क्लास है। ये सारा सैंपल्स है, ओहो हो क्या बात है। चलिए आइए दूसरे खंड में चलते हैं। ये आजम भाई के दूसरे जगह पे दूसरे वर्क, यहाँ पे जो है फिनिशिंग का काम होता है, ये पेंटिंग का काम ना है। ये पूरा पेंटिंग डेंटिंग का काम होता है। कैसे हो भाई लोग, ठीक है? कैसे हो, ठीक है? ठीक है। यहाँ पे जो रमज़ान में भी काम चल रहा है बंदों के, ये यहाँ पे जो है ये कर्टन वगैरह जो सीना का काम जो है वो यहाँ पे होता है। तो कितनी मशीन अभी तेरे पास? देखिए देखिए काफ़ी हो जाता है। ओए होए क्या बात है, ये देख रही, ये है सोफ़ा सेट जैसा जिस तरीके से वो लोग बनाते हैं। ये सैंपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए डिज़ाइन कितना प्यारा डिज़ाइन है माशाल्लाह। इस तरीके से काम होता है यहाँ पे, और काम भी जो है वो फुल फिनिशिंग के साथ है। काम देख रहे आप, एक नंबर माशाल्लाह। ये मशीन है जो यूज़ कर रहे हैं, कारीगर कहाँ है इसका? वही ऑलराउंडर। ये सिलेंडर का के लिए यूज़ है, ये बड़ा वाला सिलेंडर क्या ये कंप्रेशन? तो ये हवा क्या करता है? वो उसी से काम होता है ना, वो जो भरते इसके अंदर पे जो स्टेपलर वगैरह मारते हैं ना, स्टेपलर। ओके तो उससे काम होता है। ये कितने का? बहुत महंगा है मशीन, ₹150 के आसपास होगा, लेकिन लाजिम चाहिए। हाँ ये लाजिम चाहिए गाइस। ये शेल्फ आप देख रहे हैं टीवी का, ये भी जो है आजम भाई ने बनाए थे बहुत टाइम पहले, यानी कि ऑलमोस्ट जो है 5-6 साल हो गया। आज भी जो है उसकी फिनिशिंग वैसे की वैसे ही है, ज़रा भी जो है ख़राब नहीं हुआ। तो उनकी काम करने का जो तरीका है बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जो है वो बारीकी से करते हैं। तो ये जो है शेल्फ उन्होंने ही बनाया था टीवी का। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो हमारे घर पे उन्होंने बनाया, मैं बताता हूँ आप। ये आप रैक देख रहे हैं, जो मेरा जो ट्रॉफी रखा हुआ, ये रैक भी जो है उन्होंने ही बनाया था बहुत टाइम पहले। ये आप डबल बेड देख रहे हैं, ये भी आजम भाई ने बनाया था, बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया था इसको। अगर आप लोगों को कोई भी फर्नीचर बनाना है तो आपको रीज़नेबल प्राइस में आजम भाई के थ्रू बन जाएगा। तो मैं उनका डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन करता हूँ, तो आप लोग जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, ये वॉच जो है मैंने रिपेयर के लिए दिया था, माशाल्लाह अभी फर्स्ट क्लास लग रहा है। ये कोलबर वॉच है, बहुत पुराना है, ऑलमोस्ट जो है ये 12-13 ईयर के आसपास हो गया। ये वॉच आप देख रहे हैं, ये है जोर्डानो का वॉच, ये मेरी सिस्टर ने दी थी। अब तक कि मैं यही घस रहा था, कई दिनों से इसी को पहन रहा था, ये सिस्टर ने दी है मेरी, बहुत साल पुराना है मेरे ख्याल से, ये भी 7-8 साल हो गया इसको भी। तो ये ऐसे के ऐसे ही नया के नया है, आप देख सकते हैं एकदम न्यू, इसका कलर तक के नहीं निकला है, इसका बेल्ट को कुछ नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट जैसा लिया था आज तक वो वैसे ही के वैसे ही है। तो माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया जो गिफ्ट वो सिस्टर ने दी थी, और अच्छी तरीके से इसको घस रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एक डिजिटल वॉच था जो मैंने रिपेयर के लिए दिया था अभी फ़िलहाल, तो
ये जो वॉच है ये टच स्क्रीन है, लेकिन इसका जो है पट्टा मिल नहीं रहा है, बेल्ट जो मिल नहीं रहा था, तो मुझे जो है ये लेदर का बेल्ट उसके साथ में लगाना पड़ा, क्योंकि वो बेल्ट सेम जो है ऑनलाइन से हमको बुक करना पड़ेगा, तो इस वजह से मुझे लेदर का बेल्ट जो है डालना पड़ा इसका। एनीवे गाइस, मैं बहुत थक चुका हूँ, अब मैं जा रहा हूँ घर के लिए, जाता हूँ थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ, क्योंकि होंठ मेरे सूख चुके हैं। गाइस, शाम के वक्त माशाल्लाह नज़ारा बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। मैं इंतज़ार करता हूँ अजान होने का। ये बन रहा है यहाँ पे पकौड़ा, बढ़िया था माशाल्लाह। और आज एक स्पेशल डिश बनने जा रहा है, वो है पेटिस। कहते हैं खीमा का पेटिस जो नहीं खाया तो क्या खाया, ऐसा रमज़ान में हमारा सबसे मेन डिश जो है वही होता है पेटिस। तो आज हम आपको बताएंगे किस तरीके से हम बनाते हैं पेटिस। ये देखिए हमारे पकौड़ों का कलर एकदम गोल्डन कलर है माशाल्लाह। अई वाह, अब इससे बेहतर कलर क्या हो सकता है पकौड़े का बताइए। ये स्टफ़ करके हमने रखा हुआ है खीमा पेटिस, ये देख रहे हैं आप, ये ऊपर से जो है वालू है, इसके अंदर जो है खीमा भरा हुआ है। तो अब हम इसे जो है डुबोएंगे आटे में और उसके बाद उसको फ्राई करेंगे। चलिए गाइस, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस खाली पेटिस बनाने के लिए बड़ा सिंपल है। आपको जो है वो आपको लेना है आलू, आलू को उबालना है, उबालने के बाद में उसके अंदर में जो स्टफ भरना है वो स्टफ जो है आपका खीमा होगा, किसी भी तरीके से आप जो खीमे बनाते हैं वो। उसके बाद में आपको लेना है चना आटा, चना आटा को जो है बराबर आपको एक अंडा डालकर जो है घोलना है। उसके बाद में इसको बस माशाल्लाह इस तरीके से जो है इसे डालिए। इसके इंग्रेडिएंट आपको किसी दिन फुर्सत में मैं आपको बताऊंगा, अब तो फिलहाल मैं चला फ्राई करने। लेमन ग्रीन जूस, इसको पियो और फ्रेश हो जाओ, रेगुलर काम है। तो बड़े सॉफ्ट हैंड से जो है यूज करना है, सॉफ्ट हैंड से जो है ऑयल में छोड़ा जाए। जैसा आप देख रहे हैं जरा भी आपका जो है वो पेटिस जिस तरीके से आपने बनाया हुआ है उसको जरा भी जो फूटना नहीं चाहिए ऐसा है। ओके, गोल्डन कलर होने तक के वेट करना है, गोल्डन कलर जैसा हो जाएगा उसके बाद आपको ये निकाल लेना है। और आज जो है कलिंगर मैंने जो कटवा के लेके आया था, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह कलिंगर जो है एक नंबर निकला है, दिखा था आपको। आई वाह, इसको कहते हैं गाइस मेवा मेवा, इसको मुंबईया लैंग्वेज में बोलते हैं मावा या मावा, ये पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं मावा। ये खाओ मजे करो भैया, ये ऐसा माल जो है आपको कभी मिला बोले तो आप नसीब वाले हो। लास्ट टाइम मेरे को जो चुना लगा दिया, लेकिन इस बार जो है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हमने जो सेटअप जो है नीचे किया है, तो अब जो है बहुत सारे आइटम्स आने के बाकी है। ये है कस्टर्ड, और भाई साहब जो टोपी पहनना भूल गए, ये भाई साहब ने मंकी टोपी पहना है, इस तरीके से मंकी टोपी कौन सा है भैया। ये हमारा जूस रेडी है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी लकज़मतु वबिका अमलतु, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इसके अंदर जो फिलिंग किया हुआ है, ये खीमा अंदर, और साइड के से जितने भी साइड में लगा हुआ है वो है आलू। जिस तरीके से इसको फिल किया गया है वो बड़ा सॉफ्ट हैंड से बड़ा प्यार से करना पड़ता है, और ऑयल में जब आप छोड़ते हैं उसको भी बड़े प्यार से, तब जाके ये अखा रहता है, वरना जो फूट जाएगा। खाने में इतना स्वादिष्ट और इतना टेस्टी है बता नहीं सकता मैं आपको। बिस्मिल्लाह, हरी चटनी के साथ में खाएंगे। मिंट फ्रेश जैसे मैंने आपको बताया था, आपको पीते साथ में फ्रेश हो जाएंगे। अब जितनी भी प्यास लगी थी दिन भर में, ये मिंट फ्रेश जो है आपको फ्रेश कर देगा। सब बिहाइंड द सीन्स निकलना चाहिए, बहुत बढ़िया टेस्ट है गाइस। और ये जो है हमारे जो इफ्तार में मोस्टली जो है ये शरबत जो है बनता ही बनता है, ये और रोबज़ा जो है हमारा पैटर्न है, तो हमेशा बनता है वो।
तो वैसे तरह भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जो हम लोग घर जा रहे हैं, आज दो खुशखबरी है, एक जो है आदि अच्छे नंबर से पास हो गया और दूसरा जो है मेरा जो है एडसन पिन जो है वो आज मुंबई में पहुंच गया। तो एडसन पिन का बहुत दिनों से इंतज़ार था, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो पहुंच गया और अम्मी अब्बा भी बहुत खुश है। वो लोग जो है एडसन पिन ओपन करेंगे, वो वीडियो मैं आप लोग को दिखाऊंगा, वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा खुश है, उनके मुबारक हाथों से जो है वो पिन ओपन होगा। देखते हैं आगे जाके जो है उस अकाउंट में जो है बहुत बड़ा बरकत है और आप लोग की दुआ और आप लोग के प्यार से हमारा चैनल जो ग्रो हो। तो चलते हैं घर, देखते हैं। यहाँ पे मैं जो अपना पिन डालने जा रहा हूँ, ये है मेरा एडसन अकाउंट, यहाँ पे पिन जो है 6 डिजिट नंबर जो है यहाँ पे आएगा। तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करके दिखा रहा और दिखा रहा दूसरा जो है एड्रेस वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे 6 पिन डालने के बाद 6 डिजिट जो है वो डालने के बाद में आपको सबमिट करना है बस। तो मैं अपना पिन अभी डाल रहा हूँ, अब ये दिखा रहा है एड्रेस वेरिफिकेशन कम्प्लीटेड। तो अब जो है ये प्रोसीजर जो है कम्प्लीट हो चुका है मेरा एडसन का। ओके गाइस, मेरा जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है, जो एडसन पिन जो डालना था उसमें जो कंप्लीटेड करके दिखा रहा है, और इसके आगे का जो प्रोसेस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, कुछ लोग जो है आधे में ही जो है यूट्यूब छोड़ देते हैं क्योंकि पेशेंस नहीं होता उनके पास। पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हर एक चीज़ जो है स्टेप बाय स्टेप जाना है और स्लोली स्लोली जाना है। यहाँ का जो व्लॉग है मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ आज का व्लॉग। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जिन जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए प्लीज़। आपके कमेंट पढ़ने में हमको भी ज़्यादा मज़ा आता है और कोशिश करता हूँ मैं हर एक कमेंट को जो है रिप्लाई करूँ। और दुआ में ज़रूर याद रखना, अपना ख्याल रखना। अस्सलामुअलैकुम, शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़।